मारने के बाद तुम रोई हो भयंकर। किसी भी माँ बाप के लिए सबसे खौफनाक दिन क्या हो सकता है? उनका बच्चा किसी भी रीजन से हॉस्पिटल में एडमिट हो। मैं अपने घर से 30 मिनट की दूरी पर था, जा रहा था किसी काम से गाड़ी चलाकर, और मुझे घर से कॉल आता है मम्मी का, बहुत ही ज्यादा डरी हुई आवाज में, कुत्ते जल्दी आ, बाबू को कुछ हुआ है, एंड फोन कट। ऐसे में एक बाप क्या करेगा? गाड़ी घुमाएगा, नहीं देखेगा आसपास कैसी रोड, कौन सी रोड रॉन्ग साइड जा रहा है कि नहीं, और गाड़ी भगा देगा 120-130 की स्पीड में सीधा घर की तरफ। ठीक वैसा ही मैंने भी करा, गाड़ी दौड़ा दी। थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि रोहित थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतनी भी स्पीड सही नहीं है, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, स्पीड को अभी कम करते हैं। ऋषि नीड्स हिज फादर। हाँ भाई, मैडम आप कुछ बता रही थी, आपने क्या क्या करा एट द टाइम ऑफ इवेंट? उसको देख के मेरे को पता है कि बच्चे को फीवर होता है तो ये सीजर होने के चांस होते हैं। तो जब ये हुआ तो पहले तो मैंने उसको मार दिया। उसके बाद मैं इसको 2-3 थप्पड़ मारे हल्के हल्के कि ये आंखें खोले, तो थोड़ा सा इसने आंखें खोली। उसके बाद गाड़ी में मतलब तुम्हें फोन करा है, और फिर हम निकले पड़ोसी यहाँ पर मिल गए, वो हमें गाड़ी में लेकर आए। गाड़ी अपनी थी? नहीं, गाड़ी की चाबी क्यों रखी हुई साथ में? तो मैं तो लेकर निकल रही थी, अच्छा, वो मिल गया तो वो चल पड़े साथ में। फिर उसके बाद ना ये रही। फिर उसके बाद जैसे गाड़ी में भी मैं इसको माउथ टू माउथ दे रही थी, वो कह रही थी, पर ये रो नहीं रहा था। फिर ये मतलब सेंसिंग में इतना आंखें बंद थी, फिर मैंने इसको लगाया कस के थप्पड़, फिर ये रोया। तूने उसके थप्पड़ लगाया कस के? हाँ। चल, दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम, आगे बोल। फिर ये रोया, फिर जाके इसके सेंसर बात करवाया। इसलिए कभी कभी बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए। बस इसलिए माफ़ कर रहा हूँ मैं तुझे, तूने इसने थप्पड़ मारा इसको जोर से। गाइस, आज मैंने जो गाड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस बनाई है ना, मारने के बाद तुम रोई हो भयंकर। फेब्राइल सीजर, जो कि गूगल की टर्म में किसी फीवर से होता है बच्चों में, जिसमें एक यंग हेल्दी बच्चा जिनकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है और जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है प्रीवियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की, इवन पेरेंट्स की भी, वो उन बच्चों को हो सकता है। भाई मेरे को तो इसके बारे में पता चला हॉस्पिटल में। घर पे उस दिन क्या हुआ था? उस वक्त मैं बाथरूम में थी, ऋषि के कपड़े धो रही थी, बाहर से मुझे कुछ अजीब सी आवाज आई, शायद ऋषि की आवाज है। तो मैंने जब भाग के ऋषि के पास आई तो ऋषि छोटी छोटी सांसें ले रहा था, और उसका चेहरा मतलब उसको ढंग से सांस नहीं आ रही थी, और वो बिल्कुल स्टिफ हो चुका था। मैंने उसको उठाया, अपनी गोद में लिया, उसको उठाने की कोशिश करी, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। उसको सांस दी, थोड़ा सा स्लैप करा उसको। ये तो हॉस्पिटल में बता चुके हो। बस ये चीज़ उस टाइम होता, आई डोंट नो मैं इस चीज को कैसे झेलता, मैं इतना पैनिक होता कि नहीं, पर आई एम टू प्राउड ऑफ हर। मैं इस पे इतना ज्यादा प्राउड हूँ कि ये उस टाइम पैनिक नहीं हुई। मेरी माँ पैनिक हो गई थी अच्छी तरीके से, पर ये नहीं हुई, और इसने सब कुछ इजिली हैंडल कर लिया। मैं कैसे करता मुझे नहीं पता, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मैंने वो देख ही लिया अपने छोटे से बच्चे को आईसीयू में भर्ती होना। खाना क्या? खाना MRI के लिए बोल रहे थे डॉक्टर, जिसमें एक छोटे से बच्चे को एनेस्थीसिया देकर MRI करवाते हैं, जिसमें वहां के डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि 10% चांस है कि एनेस्थीसिया के बाद MRI होने के बाद बच्चा मे बी वेंटिलेटर पे चला जाता है। ये सुनकर एक नॉर्मल पेरेंट क्या करेगा? हमने
मना कर दिया। हमारे कोई दूर के दोस्त थे जो कि खुद एक पीडिया थे और उनकी वाइफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। उनसे पूछा तो पता चला कि ये जो फेब्राइल सीजर है 6 months से 5 साल तक के बच्चे को फीवर होने पर आ सकता है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। और दूसरा, पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है एमआरआई कराने की। बस वहीं से हमें कंफर्म हो गया, वैसे ही मेरा शिल्पा एमआरआई के लिए मना थी, वहां से और कंफर्म हो गया, हमने डॉक्टर को कर दिया मना, नहीं करवाना। और उसके बाद मैं शिल्पा ऋषि के साथ आईसीयू में नीचे ही सो गया। लेकिन ईईजी जो कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करके कुछ तो होता है, सॉरी अगर मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो वो हमने नेक्स्ट डे करवा लिया था। इसमें बेसिकली ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर होती है कि कोई इन्फेक्शन, कोई क्लॉटिंग या फिर कोई कंकशन तो नहीं है ब्रेन में। नॉर्मल निकला ये भी, और बाकी जो टेस्ट कराए थे वो सारे नॉर्मल थे। तो हमने सेम डे डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट डाल दी, क्योंकि ऋषि वहां पर खेल ही नहीं पा रहा था, कितने से बेड पे कितना खेलेगा वो। और वो जितना बच्चे जितना खेलेंगे ना, जितना खुश होंगे अंदर से, उतना जल्दी सही होते हैं। बाय द वे, हॉस्पिटल वालों का तो प्लान था मंडे तक रखने का मॉनिटरिंग में। और बिल टफेस्ट 24 आवर्स ऑफ आवर लाइफ, इट इज बहुत मुश्किल है यार, आईसीयू जैसी जगह में 24 घंटे निकालना बहुत बच्चे को लेके। चलो यार जल्दी से, बस चलो यहां से, कुछ अच्छा सा खाते गई बट तगड़ा, ठीक है, मिठाई पेल के खाएंगे आज। गाइस गाइस गाइस, अभी बहुत ही बड़ा वाला मजाक हुआ, पता क्या, आज मम्मी ने प्रूफ कर दिया कि मम्मी आर्ट्स है ही है। अच्छा नीधि कॉमर्स से ही है। अच्छा जो भी है, मैंने कल जब ये सीन हुआ ना, तो मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया DND सो दैट नो वन कॉल्स और डिस्टर्ब, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत कुछ और थी और मैं किसी भी कॉल या फिर मैसेज को रिस्पॉन्ड करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता। और मम्मी ने वो व्हाट्सएप पढ़ा या फिर निधि ने पढ़ा, मम्मी ने तो मम्मी को लगा कि मैं DND पे हूँ, जो दिल्ली नोएडा डायरेक्ट वे कहते हैं शायद उसको, उस पर हूँ मैं। ओह गॉड, खैर जो भी है, गाड़ी में अभी हम लोग तो बैठ चुके हैं। से पूछी कि जो ये निधि डीएनडी का मतलब क्या होता है। ठीक है मम्मी, आपको ये चीज अलाउड है। हाँ, निधि को नहीं पता। नहीं, फिर निधि बताई। जो भी है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी मुझे अपनी गाड़ी में बैठकर विद 3 others स्पेशली जो कि मेरी फैमिली है। और अभी फाइनली अब हम लोग घर निकलते हैं, अपने जानी मन को घर लेकर जाते हैं, वहां पर उसका अब हम ख्याल रखेंगे खूब अच्छे से। और बस पता नहीं वीडियो क्या बनी है क्या नहीं बनी है, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब दबा देना, लाइक तो मैं बोलूंगा नहीं करने को, सब्सक्राइब दबा देना। व्लॉग्स लेट हो जाते हैं क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो जाता है, सो ये चीजें आगे पीछे होती रहती है। सो विद दैट सेड, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। ये व्लॉग बनाने का मोटिव, जो न्यूली पेरेंट्स अभी बने हैं, जिनका अभी बच्चा इस दुनिया में आया है, उनको पता चल जाए फेब्राइल सीजर के बारे में, हमारा वाला हाल ना हो एकदम से, क्योंकि हमें तो नहीं पता था। बीइंग ए पेरेंट, हम अपने बच्चों को बहुत कुछ अच्छा देना चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, बट ऐसे मोमेंट में लैक ऑफ नॉलेज या फिर पैनिक होने की वजह से हम कई बार गलत स्टेप्स ले सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए चीज़ों को लेकर। आज का जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो उसका क्या असर हो सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। Boom. ये देखो, इसको बोलते हैं डाइटिंग। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन हो रखी है, और अपडेट निकल रहा है। खुद को खुश करने के लिए कभी कभार करना पड़ता है।